नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन है रेडिंग डाउन लिमिटेड का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली। जैसे कि स्टॉक का प्राइस ईयर 2020 में बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को फॉलो किया था एंड ईयर 2021 में टॉप ट्रेड किया था। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री एक अप ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है राइजिंग चैनल को, एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस यहाँ पे राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा है। प्रीवियसली हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए थे कि प्राइस क्या कैरेक्टर है, प्राइस हमेशा से चैनल को फॉलो करता है। प्राइस अगर ऊपर जाएगा एक अप ट्रेंड चैनल को फॉलो करता है, प्राइस अगर नीचे आएगा एक डाउन ट्रेंड चैनल, प्राइस अगर कंसोलिडेशन करेगा एक फ्लैट चैनल को फॉलो करता है। एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस ईयर 2021 में टॉप ट्रेड करने के बाद इस राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा है। जब भी चैनल का अपर बाउंड्री को टेस्ट किया है, मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड चैनल का लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है। एंड जब भी प्राइस एक राइजिंग चैनल को फॉलो कर रहा होगा, चैनल का लोअर बाउंड्री सबसे लो रिस्क जोन एंड चैनल का अपर बाउंड्री सबसे हाई रिस्क जोन। एंड एग्जैक्टली देखिए स्टॉक का प्राइस चैनल का लोअर बाउंड्री को टेस्ट करने के बाद बाउंस कर रहा है। प्रोबेबिलिटी हाई है कि आने वाले टाइम में प्राइस चैनल का अपर बाउंड्री को टेस्ट कर सकता है, जो कि लेवल बन रहा है नियरली 250। उस हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड क्वांटिटी को मैनेज कीजिएगा। अगर प्राइस यहाँ पे 250 जो कि राइजिंग चैनल का अपर बाउंड्री एक्ट एज रेजिस्टेंस इसको ब्रेकआउट कर देगा, उसी केस में नेक्स्ट मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अभी के लिए तो प्राइस को 250 को टेस्ट करना चाहिए। उसके साथ देखिए यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट 2 डेज पहले आया था, रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया था जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट प्राइस के ऊपर शो कर रहा है। अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे तो सेल्स देखिए 21,280 करोड़ से ग्रो किया है 24,896 करोड़ तक। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 217 करोड़ से ग्रो किया है 283 करोड़ का। तो सेल्स एंड नेट प्रॉफिट में ग्रो दिखाई दे रहा है जिसका इंपैक्ट प्राइस के ऊपर शो कर रहा है एंड आने वाले टाइम में भी शो कर सकता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआई देखे शेयर होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किए हैं 57.87% से इंक्रीज करके होल्ड कर रहे 58.07%। डीआई के पास होल्डिंग है 18%, पब्लिक होल्ड कर रहे 23% के आसपास जो कि मैनेजेबल क्वांटिटी है। एफआई अग्रेसिवली शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट प्राइस के ऊपर आ रहा है। उसके साथ क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो स्टॉक आपके रडार में रखिएगा। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।